दोस्तों आज हम ओनली रियलमी C35 के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम रियलमी C35 के एंड्रॉयड 13 अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एंड्रॉयड 12 अपडेट के बारे में बात करेंगे और गजब यहाँ पर रियलमी ने गजब कर दिया दोस्तों। एंड्रॉयड 13 अपडेट सरप्राइजली सभी यूज़र को मिलने लगा है आज से रियलमी C35 के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं रियलमी C35 के अंदर अपडेट न्यूज़ को जो आज हम बात करेंगे एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अगर आपको इस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करके ना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मेरे तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो एट फर्स्ट एंड्रॉइड 12 के बारे में बात करें तो एंड्रॉइड 12 का एक अपडेट रियलमी की तरफ से रिलीज हुआ है जो C.29 वर्जन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे जून मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा। और ये अपडेट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के पास एंड्रॉइड 13 का अपडेट नहीं आया, बट यहाँ पे रियलमी ने सरप्राइजली एंड्रॉइड 13 अपडेट को अब स्टेबल जो अपडेट है से रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया इसी मंथ से। तो चलिए देख लेते हैं एंड्रॉइड 13 अपडेट को रियलमी C35 के अंदर क्या कुछ चेंज लॉग है, कितने साइज़ का है, क्या आपको देखने को मिलता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एंड्रॉइड 13 अपडेट को। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि बीटा अपडेट के लिए आप मत वेट कीजिए, आप स्टेबल अपडेट के लिए वेट कीजिए क्योंकि स्टेबल अपडेट आप लोगों के लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा और रियलमी ने सरप्राइजली स्टेबल अपडेट को यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। और जो स्टेबल अपडेट आपको देखने को मिलता है रियलमी C35 के अंदर वो है आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू वर्जन RMX 3511 PU 13.F.52 वर्जन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपग्रेडिंग टू एंड्रॉइड 13 विल ब्रिंग जनरेट स्कोप टू पर्सनलाइज एंड बेटर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, अपग्रेडिंग इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। मतलब ये जो अपग्रेड है ये आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है क्योंकि एक स्टेबल अपडेट है और ये एक मेजर अपडेट है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साथ क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, मतलब क्या कुछ फीचर्स इंक्लूड किया गया है इस अपडेट के साथ। तो अभी हम इस अपडेट के चेंज लॉग डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा। ये जो अपडेट आपको देखने को मिलता है रियलमी C35 के अंदर ये रियलमी Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट नहीं है, ये रियलमी Y T एडिशन बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें तो इसके चेंजेस के बारे में तो ये अपडेट आपको सबसे पहले हमें देखने को मिला था, मतलब रियलमी ने हमें इंट्रोड्यूस किया था रियलमी नार्जो N53 के अंदर, उसके बाद C33, अब C35 के अंदर रिलीज हुआ, उसके बाद नार्जो 50 प्राइम, उसके बाद आपको रियलमी C31 के अंदर भी देखने को मिलेगा रियलमी आई टी एडिशन विथ एंड्रॉइड 13 का अपडेट। और इसका जो चेंजेस है वो आपको कुछ ज़्यादा खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि 4.0 के साथ हुआ है, उतने चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट कुछ सिमिलर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा जैसे कि 4.0 में हमें देखने को मिला। और ये पहले बता दूँ ये एक लाइटर वर्जन अपडेट है 4.0 का। ठीक है, तो 4.0 में जो जो फीचर्स देखने को मिलता है वो सभी फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो पहले ये क्लियर करके रखिए अपने दिमाग में। ठीक है, तो बात करें चेंजेस के बारे में तो आपको जो सबसे पहले चेंजेस देखने को मिलता है पर्सनलाइजेशन सेटिंग के अंदर वो आप क्या है मैं आपको बता दूँ। आप यू कैन चेंज नाउ सेट डिफरेंस लैंग्वेज फॉर डिफरेंट ऐप्स, आप समझ सकते हो डिफरेंट ऐप के लिए आप अलग अलग लैंग्वेज आप सेट कर सकते हो, जो एंड्रॉइड 13 का एक मेजर फीचर्स आपको देखने को मिलता है। न्यू मीडिया प्लेयर हैज़ बीन रैम्प्ड विथ एल्बम कवर्स एंड निफ्टी न्यू फ्लेवर, ये आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ न्यू द कलर द थीम चेंज द रिफ्लेक्ट द वॉलपेपर, मतलब आप समझ सकते हैं जो थीम है आपका वो वॉलपेपर को रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि फीचर्स हमें देखने को मिलता है हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा नार्जोन 53 के अंदर जो फीचर्स हमें देखने को मिला था। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, न्यू कॉपी एंड पेस्ट अक्रॉस डिवाइस आपको देखने को मिलता है, न्यू वन हैंड मोड देखने को मिलता है, वन हैंड मोड अब यहाँ पे जो है सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ न्यू थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट गेस्चर आपको भी देखने को मिलता है इस अपडेट के थ्रू। ठीक है, और दोस्तों प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर भी आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू एंड्रॉइड 13 अपडेट जो आपको देखने को मिलता है। और इसके साइज़ के बारे में बात करें तो आपको 4.42 GB का अपडेट आपको देखने को मिलेगा ये जो एंड्रॉइड 13 का अपडेट है। ठीक है, तो ये था इसका मेजर अपडेट रियलमी की तरफ से रियलमी YT एडिशन बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट जो आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था रियलमी नार्जो N53 के अंदर, अब जो है सिर्फ 35 के अंदर भी रिलीज़ हो गया। हमें पता है हमारे बहुत से सब्सक्राइबर को अपडेट देखने को मिल गया, कि आपको मिला या नहीं नीचे हमें जरूर कमेंट करके बताना। और भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेगा और सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मैं मिलता हूं के साथ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।